हेलो एवरीवन, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं और आज के लेक्चर में हम हमारे टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 163 पे जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके स्क्रीन पे है, लेट्स रीड द सम। मिस्टर किशोर एंड लाल वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है हमें, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। तो ये जो बैलेंस शीट है दैट इज बिफोर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर एंड हमारा ओल्ड रेशियो है 3:1, करेक्ट। देखिए आगे क्या दिया है बैलेंस शीट के आगे। दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन 1st April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड फॉर दैट ही ब्रॉट इन 60,000 एज कैपिटल थ्रू RTGS। थ्रू RTGS का मतलब क्या होता है? थ्रू बैंक, राइट। आगे गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000, अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। मतलब 20% से हमें लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है, तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ पे स्टार कर देती हूँ। फोर्थ देखिए क्या है, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर और स्टॉक को भी स्टार कर देते हैं। कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू बैंक अकाउंट। देखिए हमने पहले भी ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं जहां पे हमें कैपिटल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना होता है। हमने इससे पहले देखा था दैट हमने जब एडजस्ट किया था तो लोन अकाउंट बनाया था या फिर कैश अकाउंट से एडजस्ट किया था। आज के इस प्रॉब्लम में वी आर गोइंग टू यूज बैंक फॉर एडजस्टिंग द कैपिटल्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो वो तो सबसे लास्ट में हम एडजस्टमेंट करते हैं आफ्टर ऑल द अदर एडजस्टमेंट्स आर डन। तो अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है, लेट्स सी। Pass necessary journal entries in the books of the partnership firm and a balance sheet of the new firm. तो अभी हमें proper formats बना लेने हैं। देखिए ऐसे journal entries in the books of the partnership firm and ऐसे balance sheet का proper tabular format बनाएंगे and then we will start with the problem, ठीक है। Now let us see, सबसे पहला वाला हमें क्या बोला है adjustment। He should be given 1/5 share in profit and for that he brought in 60,000 as capital through RTGS। Simple है, अगर capital लाया है new partner ने तो हमारी entry क्या आएगी, bank में से पैसा बढ़ गया because उसने bank से लाया है। So bank account debit to new partner's capital account। यहाँ पे new partner का नाम राम है, so bank account debit to Ram's capital 60,000 will be our first journal entry। So let us write that April 1 bank account debit 60,000 to Ram capital account 60,000 narration being capital brought in by the new partner और राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री। सेकंड क्या है देखिए आगे, गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000। रेज्ड एट 60,000 का क्या मतलब होता है, दैट इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब जो इनकमिंग पार्टनर है शायद उसके पास पैसा नहीं था गुडविल लाने के लिए, तो अभी ओल्ड पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि अभी तक का हमारे फर्म का जो भी गुडविल है दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट आवरसेल्व्स। तो इसे बोलते हैं जब हम गुडविल रेज करते हैं। हमने गुडविल वाले ट्रीटमेंट के लेक्चर में ये डिटेल में देखा था। 60,000 हमें गुडविल रेज करना है और ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, 3:1 इज द ओल्ड रेशियो। 60,000 है टोटल गुडविल, इसे मुझे 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 60,000 अपॉन 4 इंटू 1 एंड 60,000 अपॉन 4 इंटू 3 15,000 एंड 45,000, करेक्ट। हमने गुडविल रेज किया है, गुडविल इज एन एसेट, वो बुक्स में दिखना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गुडविल को करना पड़ेगा डेबिट। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू किशोर 45,000 एंड टू लाल 15,000, करेक्ट। सो लेट मी राइट दिस एंट्री। गुडविल हमारे बिजनेस में हमने रेज किया है, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू किशोर्स कैपिटल
45,000 एंड टू लाल्स कैपिटल। अगर कभी इनकमिंग पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता है तो हमें ऐसे स्पेसिफिकली बोला जाता है सब में दैट वी हैव टू रेज द गुडविल। ठीक है, बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी। एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। अगर मुझे एसेट का वैल्यू बढ़ाना है तो मैं एसेट को करूंगी डेबिट, सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, 75,000 पे, इसका 20% दैट इज 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज से मुझे इनका वैल्यू बढ़ाना है, सो माई एंट्री हियर विल बी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, वन एंड द सेम, 15,000। ओके, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट एप्रिसिएटेड, appreciation is the opposite of depreciation. Appreciation मतलब value बढ़ना और depreciation मतलब value कम होना asset का। Alright? Okay. आगे देखिए क्या है, fourth point देखिए, furniture and stock are to be depreciated by 10%. तो 10% निकालते हैं furniture का, 6,000 पे दिख रहा है books में, 10% that is 600 rupees. And stock is 60,000, इसका 10% that is 6,000 रुपीज। इससे हमें इनका वैल्यू कम करना है, कम करेंगे एसेट को मतलब उन्हें करेंगे क्रेडिट, तो हमारी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड टू स्टॉक। सो लेट अस राइट दीज एंट्रीज। प्रॉफिट एंड लॉस जस्ट फर्नीचर अकाउंट इज 600, स्टॉक 6,600। नरेशन क्या आएगा, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स डेप्रिसिएटेड, value of asset depreciated. All right? ये आगे क्या है देखते हैं, capitals of all partners should be adjusted in their new profit sharing ratio through bank account. तो ये तो हम सबसे end में करते हैं जब हमारे सारे adjustments हो जाते हैं, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट अस मेक अ वर्किंग नोट फॉर फाइंडिंग आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ वन निकालेंगे। बैलेंस ऑफ वन मतलब कितना, जो भी नया पार्टनर है उसके जो भी शेयर है वो हम वन में से माइनस करेंगे। वन माइनस 1/5 के लिए आया है ना राम, सो 1 - 1/5 That is how much? 4/5. ये बचा, अभी इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है ओल्ड PSR से फॉर गेटिंग द न्यू PSR. तो what is the old PSR? Let me write down Kishore and Lal. Old PSR is 3/4 and यहाँ पे है 1/4. Okay? And balance of one is 4/5. So let me multiply. माइनस हो गया, सो 3/5 1/5, तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1, करेक्ट, 1/5 है राम का,
So 3:1:1 is my new profit sharing ratio. This I am going to use जब मैं capitals को adjust करूंगी, ठीक है? अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि revalue करने के बाद मेरा profit या loss क्या आया है, because that again I have to transfer to the partners. तो ये तो मुझे नहीं समझेगा because मैंने revaluation account नहीं बनाया, P&L adjustment नहीं बनाया. तो एक working note बनाएंगे जहां पे P&L adjustment का account बनाएंगे और फिर we will find out the profit and loss. So let us make a working note here. Profit and loss adjustment account. This is just for finding out loss या profit, ठीक है? This is a working note. इसीलिए ऐसे format बनाया है, okay? Otherwise we'll have to make a proper format. पहली entry क्या है revaluation की? Let's see. ये देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट. तो P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट पे मुझे 15,000 लिखना है. यहां पे मैंने लिख दिया 15,000 और डेबिट में क्या है, लेट्स सी. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 6,600 है, तो उसे 6,600 से हम डेबिट कर देंगे. ऑलराइट, इतने दो ही एंट्रीज है. तो अभी क्या बचा है, लेट अस सी प्रॉफिट आ रहा है कितना. क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉफिट. सो 15,000 माइनस 6,600 दैट गिव्स अस 8,400. दिस इज द प्रॉफिट जो मुझे दोनों ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में. व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:1. सो 8,400 अपॉन 4 × 3 दैट गिव्स मी 6,300. And 8,400 upon 4 to 1, that is 2,100. This is the distribution of profit, जो भी revalue करने के बाद मिला. तो जब मैं distribute करूंगी profits, तो obviously partners का capital को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा credit. तो मेरी entry यहाँ पे क्या आएगी? Profit and loss adjustment account debit to partners capital account. So let me write this entry here. April 1. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हो. अमाउंट इज 8,400 टू किशोर्स कैपिटल एंड टू लाल्स कैपिटल अकाउंट 2,100. ठीक है, नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. वी हैव टू रिमेम्बर जो भी ओल्ड पार्टनर्स है उनमें मुझे ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है बिकॉज इट बिलोंग्स टू ऑल द ओल्ड पार्टनर्स. ऑलराइट, अभी क्या करना है, अभी मुझे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ेगा बिकॉज मुझे बैलेंस शीट भी बनाना है. बट डू आई हैव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस? नो, आई डोंट हैव दैट. तो इसके लिए मुझे और एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जहां पे मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करूंगी. तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं. देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे टेबुलर फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, आप ऐसे पहले बना लीजिए एंड देन वन बाय वन वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द अमाउंट्स. एंश्योर दैट यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो. तीन आपके कॉलम्स है तीन पार्टनर्स के लिए, तो बराबर वैसे आपको अमाउंट्स लिखने. तो सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल चालू होगा ओपनिंग बैलेंस से. तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. व्हाट इज द अमाउंट? 90,000 एंड 48,000. सो लेट मी राइट इट हियर. 90,000 and 48,000. All right. अभी कहाँ कहाँ जर्नल एंट्रीज पास की है, लेट अस सी. जहां जहां पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफर. लेट अस लुक एट द फर्स्ट जर्नल एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल. तो राम का कैपिटल अफेक्ट हो रहा है इससे. सो 60,000 मुझे राम के कैपिटल में क्रेडिट करना है. सो लेट मी राइट हियर बाय बैंक अकाउंट अमाउंट इज 60,000. ओके, आगे क्या है, लेट्स सी.
गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू किशोर एंड टू लाल, हमने जब गुडविल रेज किया उसकी एंट्री है, तो पार्टनर्स के कैपिटल में मुझे ये वापस ट्रांसफर करना है. सो लेट मी डू दैट बाय गुडविल अमाउंट इज 45,000 and 15,000. ओके, नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी. लैंड एंड बिल्डिंग एंड पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट इज अगेन पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो ये भी नहीं है. नेक्स्ट इज पी एंड एल एडजस्टमेंट टू किशोर्स कैपिटल एंड टू लाल्स कैपिटल, ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसकी भी हमारी एंट्री आएगी. तो 6,300 and 2,100, लेट अस राइट दैट बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट इज 6,300 and 2,100. ठीक है, ये तो हो गए हमारी सारी एंट्रीज. अभी एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं. कोई भी accumulated loss या accumulated profit होगा तो वो भी हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सो लेट अस सी बैलेंस शीट में कुछ है क्या. देखिए लाइबिलिटी साइड पे हमें जनरल रिजर्व दिख रहा है 12,000 रुपीज का, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में. द रेशियो इज 3:1, तो 12,000 को मुझे डिवाइड करना है 4 से इंटू 3, एंड 12,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 दिस इज 3,000 एंड दिस इज 9,000. ठीक है, तो मुझे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है. जनरल रिजर्व होता है क्रेडिट, मुझे अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो करना पड़ेगा डेबिट. तो मेरी एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर एंड टू लाल. तो मुझे पहले जर्नल एंट्री करना है एंड देन आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पहले मैं जर्नलाइज करती हूं. यहां पे अप्रैल 1 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 to Kishore's capital account 9,000 and to Lal's capital account 3,000. Narration being general reserve distributed among old partners in the old ratio. ठीक है, अभी इसे मुझे ट्रांसफर कर रहा है पार्टनर्स के कैपिटल को. सो लेट मी डू दैट. जनरल रिजर्व आई हैव टू ट्रांसफर यहां पे पार्टनर्स के कैपिटल को, तो यहां पे मैं लिखूंगी बाय जनरल रिजर्व अमाउंट इज 9,000 एंड 3,000. तो यहाँ पे हमने सारे एंट्रीज के इफेक्ट्स दे दिए. अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कैपिटल को क्लोज करना है एंड लेट अस फाइंड आउट दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें कैपिटल को कैसे करना पड़ेगा एडजस्ट. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड की टोटल्स करने हैं कॉलम्स के. सो लेट अस मेक अ रफ टोटल ऑफ द कॉलम्स ऑन द क्रेडिट साइड. व्हाट इज द टोटल, दिस इज अ रफ टोटल. ऑल राइट, यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 1,50,300, यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 68,100 और यहाँ पे आ रही है 60,000. ये मैंने क्रेडिट साइड की रफ टोटल कर ली. अभी मुझे क्या बोला है, लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट जो हमारी बाकी है, लास्ट एडजस्टमेंट सी फिफ्थ वन. कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू बैंक अकाउंट. अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने देख लिया है, 3:1:1 is the new profit sharing ratio. तो जब भी हमें adjust करने पड़ते हैं capitals, हम क्या करते हैं, जो भी incoming partner है उसने जो capital लाया है that is the base. Base कितना हुआ इस case में, देखिए उसने capital कितना लाया, 60,000. उसने 60,000 capital लाया for 1/5 share of profit. तो अभी हम एक working note बनाएंगे. See, for 1/5 share, he got 60,000 rupees, right? Let the total capital be X. Pura capital jo hai, usse X consider karte hai. So, 1/5 of X is 60,000. Ka matlab, total capital kitna hua? 60,000 into 5, that is 6 times 30.
3 लाख रुपीज। करेक्ट, ये टोटल कैपिटल मिल गया हमें, इजी कैलकुलेशन था। अभी टोटल कैपिटल को मुझे न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सिंपल, न्यू पीएसआर हमें पता है क्या है, सो लेट मी मल्टीप्लाई। हमारा किशोर का कैपिटल आएगा टोटल कैपिटल इंटू न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर इज 3/5, एंड फॉर लाल इट विल बी 3 लाख इंटू न्यू पीएसआर फॉर लाल इज 1/5। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60,000 और ये आ जाएगा 1,80,000। करेक्ट, ये अभी हो गया कि पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए, 1,80,000 and 60, राइट। तो दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। तो पहले मैं क्या करूंगी, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ये वाला बैलेंस लिख दूंगी, बिकॉज मुझे पता है दैट दिस इज द बैलेंस दैट हैज टू बी कैरीड डाउन। ओके, सो लेट अस गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने जो वर्किंग नोट बनाया था, यहां पे मुझे डेबिट साइड पे लिखना है टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,80,000 and 60,000। और राम के केस में तो वही आएगा, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड राम्स कैपिटल एज द बेस, तो 60,000 ही आएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी गौर करिए, हाँ, बी वेरी वेरी केयरफुल। वी हैव टू कंपेयर ये जो हमारा बैलेंस है विद दिस टोटल जो हमने की है, ठीक है। टोटल और बैलेंस को कंपेयर करके फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि बैंक में से पैसा जाएगा या बैंक में पैसा आएगा। अभी किशोर का केस लेते हैं, किशोर के केस में 1,80,000 उसका बैलेंस होना चाहिए। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है, देखिए 1,50,300। इसका क्या मतलब हुआ, किशोर का बैलेंस अभी तो कम है बिजनेस में, उसे और बढ़ाना पड़ेगा। अगर बिजनेस में बैलेंस बढ़ाना है मतलब और भी कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा किशोर को, और पैसा लाना पड़ेगा। तो कितना लाएगा, 1,80,000 - 1,50,300, दैट गिव्स मी 29,700। What is this? This is the amount जो किशोर पैसा लाने वाला है through bank. तो मेरी entry क्या आएगी? Bank account debit to किशोर's capital account. तो यहाँ पे मैं लिख दूँ by bank account. Understood? Because हमने देखा that जो total था 1,80,000 चाहिए था हमें, लेकिन 1,50,000 ही दिख रहा था, इसीलिए जो भी balance है वो पैसा वो लाएगा business. Correct? Similarly अभी लाल के केस में compare करते हैं, 68,100 is the balance of the credit side. दाल का अभी capital का balance कितना होना चाहिए, 60,000. इसका मतलब उसका जो credit side का balance है वो तो ज्यादा है, right? कितने से ज्यादा है, 68,100 - 60,000, that is 8,100. अगर बैलेंस ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा कि बाबा यू टेक दैट मनी बैक, सो वी विल हैव टू पे हिम। तो पे करेंगे मतलब बैंक का बैलेंस कम होगा, तो हमारी एंट्री आएगी लास्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,100 टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया हमने क्या किया, हमें जो भी बैलेंसेस दिए थे, जो भी हमने बैलेंस यहाँ पे कैलक्यूलेट किए है उसे हमें कंपेयर करना है जो भी हमारे टोटल्स थे यहाँ पे, ये टोटल्स से हमने कंपेयर किया, then we found out whether बैंक में पैसा आएगा या बैंक से पैसा जाएगा। ये क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने एंट्रीज पास की ये जर्नलाइज भी तो करने पड़ेंगे, बिकॉज जर्नल बनाना है हमें। तो नाउ लेट अस पास जर्नल एंट्रीज फॉर दीज टू ट्रांजैक्शंस। तो पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी, April 1st को जो पैसा बिजनेस में आया है बिकॉज ऑफ किशोर, उसकी एंट्री हम पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 29,700 टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट 29,700, नरेशन बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन द बिजनेस। ओके, और सेकेंड एंट्री आएगी जो पैसा बिजनेस से बाहर गया, उसकी एंट्री आएगी तो April 1 को। नेक्स्ट एंट्री फॉर लाल विल बी लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 8,100 टू बैंक अकाउंट 8,100, नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू लाल।
तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पार्टनर्स के कैपिटल को हमने बना दिया है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी क्या करना है, अभी बस हमें बैलेंस शीट बनाना है एंड में। तो लेट अस डू दैट। ऐसे आपको फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट एज ऑन 1st अप्रैल 2018 एंड वन बाय वन वी विल सी ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या थे। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है 75,000 पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमें लिखना है इनर कॉलम में बिकॉज देयर इज सम एडजस्टमेंट। तो एसेट साइड पे जाते हैं और यहां पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिख रही हूं मैं 75,000 एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेट अस सी क्या किया था हमने। लैंड एंड बिल्डिंग को हमने क्या किया था, देखिए यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग को हमने डेबिट किया 15,000 से, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं ऐड करूंगी 15,000 एप्रिसिएशन, टोटल इज 90,000। ओके आगे क्या है, लेट अस सी। फर्नीचर है 6,000 रुपीज का, तो फर्नीचर भी इनर कॉलम में आएगा, फर्नीचर इनर कॉलम 6,000 रुपीज। अभी हमने क्या यहाँ पे किया है पीएनएल एडजस्टमेंट में, लेट अस सी। पीएनएल एडजस्टमेंट में फर्नीचर को मैंने क्रेडिट किया है 600 से, तो मैं यहाँ पे माइनस करूंगी 600 रुपीज। सो लेस डेप्रिसिएशन, जब भी हम किसी एसेट को क्रेडिट करते हैं का मतलब उसकी वैल्यू को हमने कम कर दिया, और अगर बढ़ाना है वैल्यू को तो हम करेंगे डेबिट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, देखिए एसेट साइड पे स्टॉक है 60,000 का, अगेन स्टॉक विल अपीयर इन द इनर कॉलम, और स्टॉक के क्या एडजस्टमेंट है पीएनएल एडजस्टमेंट में, लेट अस सी। स्टॉक को हमने क्रेडिट किया है 6,000 से, तो यहां पे मुझे माइनस करना पड़ेगा 6,000 रुपीज। यस डेप्रिसिएशन 4,000। ओके आगे क्या है, डेटर्स है 60,000 पे, बिल्स रिसीवेबल है 39 पे, वो वैसे ही दिखेंगे बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेट अस राइट देम डाउन, डेटर्स अमाउंट इज 60,000, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट इज 39,000। ऑल राइट, और क्या है देखो, लास्ट है कैश एट बैंक 30,000। अभी ये जो कैश है इसमें तो बहुत सारे चेंजेस है, इसलिए हमें एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस ऑफ कैश। तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं, देखिए ओपनिंग बैलेंस है 30,000 का, करेक्ट। इसने बिजनेस में क्या लाया, जब पार्टनर आया था बिजनेस में ही गॉट कैपिटल। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, इसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा है, तो मेरे वर्किंग नोट में मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 60,000। दिस इज व्हाट द कैपिटल दैट हैज बीन ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, करेक्ट। और कहाँ पे बैंक अफेक्ट हो रहा है, लेट अस गो थ्रू आवर एंट्रीज। देखिए यहाँ पे जब किशोर ने कैपिटल लाया बिजनेस में, दैट टाइम बैंक अकाउंट गॉट अफेक्टेड, 29,700 से वापस मुझे ऐड करना पड़ेगा। 29,700 is the amount that Kishore brought into the business. And Lal को हमने 8,100 रुपीस दिया, तो Lal के लिए मुझे ये माइनस करना पड़ेगा 8,100. अभी ये सब करने के बाद जो भी बचेगा that is the balance. Let us see कितना आ रहा है, यहाँ पे मेरा बैलेंस आ रहा है 1,11,600. Okay, this is the balance that I am going to write down in the balance sheet. So let us do that here. 1,11,000. All right. और कुछ बचा है क्या asset side पे? Let us see. Let us go through our entries. देखिए हमने यहाँ पे goodwill raise किया है 60,000 rupees का. Goodwill is by asset, so it is going to appear in my बैलेंस शीट, तो मुझे 60,000 रुपीज मेरे बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेट मी राइट डाउन गुडविल 60,000।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस डाउन इन द बैलेंस शीट, नहीं तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। एंड आप सोचेंगे क्या हो गया, हम जब भी गुडविल रेज करते हैं इट हैज टू अपियर इन द बुक्स, राइट। वो अकाउंट वैसे ही अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, राइट, इट हैज टू अपियर। ओके, अभी क्या है, लेट अस सी लायबिलिटी साइड पे क्या क्या है। क्रेडिटर्स है 1,20,000 पे, तो वैसे ही दिखेंगे क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स 1,20,000, और क्या है, लेट अस सी जनरल रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी पार्टनर्स के कैपिटल है, अभी पार्टनर्स के कैपिटल हमने जो रेशियो में किए थे वो आएंगे, व्हाट इज दैट, सी 1,80,60 and 60। सो लेट अस राइट दैट डाउन हियर, कैपिटल अकाउंट चोर दाल एंड दाम 1,80,000, 60,000 and 60,000, तो टोटल कितना है, 3,00,000 इज द टोटल, राइट। तो अभी क्या बचा, सारे हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए हैं, अभी हमें क्या करना है, बस हमें बैलेंस शीट की टोटल करनी है, और हमने अगर सब सही किया होगा तो हमारा बैलेंस शीट जरूर टैली होगा। तो लेट अस सी लाइबिलिटीज साइड और एसेट साइड की हम टोटल करेंगे। मेरी बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 4,20,000, अंडरस्टूड। देखिए अभी हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे अच्छी से टैली हो गया है। अगर यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, ओके। और अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारा आपका 12th स्टैंडर्ड का पोर्शन कवर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मैं अभी आपको मिलूंगी अगले लेक्चर में, जहां पे मैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। तो टिल देन टेक केयर, बाय।